आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करेंगे जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर। दोस्तों, मुगलों से लोहा लेने वाले ये वो योद्धा हैं जिन्होंने सिख एम्पायर लगभग एस्टैब्लिश कर लिया था। 10 बैटल्स लड़ी पूरे हरियाणा, पंजाब, सतलज से लेकर यमुना तक हमारा राज है। क्या कहानी है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। लेकिन मुगलों ने इतनी बर्बरता की दोस्तों, जब इनको पकड़ा, आपको पता है सिखों के सर काट के भाले पे टांग दिए गए। इनको पकड़ा, एक मरियल से हाथी पे इनको बैठाया, पिंजरे में बंद किया, राजाओं के कपड़े पहनाए इनका मजाक बनाने के लिए, इनके सामने इनके बच्चे को मारा, हिले भी नहीं। बोला कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। ये हिले ही नहीं। बोला कि मैं कुछ नहीं करने वाला, धर्म के लिए, लोगों के लिए तो जान कुर्बान कर देंगे, ये क्या चीज है। फिर उसके बाद धीमे धीमे बंदा सिंह बहादुर को टॉर्चर किया गया। इनकी आंखें फोड़ी गई, इनके शरीर से मांस नोचा गया। ये एक ऐसी वीर गाथा है दोस्तों जिसपे शानदार मूवी भी बन सकती है, प्लस ये अंदर से झकझोर तक रख देगी। एक ये वन मैन आर्मी थे। बंदा सिंह बहादुर के पास ना ही कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थी, ना ही हथियार की ट्रेनिंग थी, ना ही ये राजा थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 20,000 सिखों को अपने साथ जोड़ लिया। कुछ ऐसा इनका हिसाब किताब था। तो हम बात करेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर की। दोस्तों, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारा लाइव है, ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, डाउट सेशन आपको दिए जाएंगे। किस तरीके से सवालों को टैकल करना है, प्रीलिम्स सवालों को, आंसर राइटिंग को आपको किस तरीके से टैकल करना है, यू विल बी टोल्ड, आपको बताया जाएगा। हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं आपकी। सब कुछ शुरू होने वाला है, 861 वॉन्ट्स हैं। हमने यूपीएससी 25 ये कूपन कोड आप यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये हमने ऑफर आज के लिए, आज रात 12 बजे तक ये सेल खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को देखते हुए, यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए। तो इन नंबर्स पर कॉल करिए, नहीं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर 1670 अक्टूबर 1670 में ये पैदा हुए थे रजौरी में, ठीक है। फर्स्ट सिख मिलिट्री लीडर टू वेज एन ऑफेंसिव वॉर अगेंस्ट मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। ओरिजिनल नेम इनका था लक्ष्मण देव। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो जब गुरु गोविंद सिंह जी इनसे मिले, उसके बाद इनका नाम पड़ा बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर। एट द टीन एज इन्होंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया। देखिए क्या हुआ था ना कि शिकारी थे भाई, वीर थे, और इनके पिताजी किसान थे। अब क्या था ना कि इन्होंने एक बार शिकार पे गए थे और उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। अब हिरनी जो थी ना वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। जब ये इन्होंने देखा कि यार इन्होंने हिरनी का शिकार किया, गर्भवती, तो इनका मन जो है ना वो खराब हो गया, दुनिया से एकदम छोड़ दिया, बैरागी हो गई है। और उसके बाद ये चले गए, घूमते 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 पहुंचे ये नांदेड़, वहां पे महाराष्ट्र पहुंचे, नांदेड़, ठीक है, गोदावरी नदी के पास वहां पहुंचे ये। और उसके बाद इनकी मुलाकात हुई अपने गुरु से, तो वहां पे गुरु ने इनको दीक्षा दी, माधोदास इनको बोला जाने लगा, बैरागी माधोदास, क्योंकि इन्होंने सब छोड़ दिया था और इन्होंने अपना छोटा सा आश्रम जो है वो बना लिया और वे वहीं पे ही रहते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने, कहते हैं कि इन्होंने काफी सीखा, जादू टोना सीखा। ऐसा बोला जाता था कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में, ये बाबा बंदा बहादुर के बारे में ये मशहूर था कि ये जो है ये इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो हर कोई ना, जैसे कोई जो अच्छा इंसान इनके पास जाता था, लेकिन कोई बुरा इंसान इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, ये एकदम आइसोलेशन में रहते थे, ऐसा हिसाब किताब। तो एक दिन गुरु गोविंद सिंह आए, जब गुरु गोविंद सिंह आए तो बाबा बंदा सिंह, इन्होंने बोला कि अरे माधोदास, मतलब इनका नाम तो वैसे नाम बदला इनका, सबसे पहले लक्ष्मण देव, फिर उसके बाद माधोदास, फिर बाबा बंदा बहादुर। तो अब जब गुरु गोविंद सिंह जी, अब गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, 10th सिख गुरु। सिख गुरुओं की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, वो चाहते तो अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही आपको मार्ग दिखाएगी, आपकी गुरु होगी। तो 10 सिख गुरु, देन गुरु ग्रंथ साहिब। तो बाबा बंदा सिंह से जब ये मिलने आए, माधवदास उस समय थे, जब ये मिलने आए तो भाई सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने
इस तरीके से जवाब दिए कि बाबा बंदा जो है वो उनके सामने झुक गया, बोला कि मैं आपका बंदा हूं, मैं आपका स्लेव हूं, आप जो बोलेंगे मैं वो मैं करूंगा। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि तुम्हारा तुम ये क्यों करके बैठे हुए हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वैरागी बन के क्यों बैठे हुए हो, तुमको अपना जीवन जो है वो लगाना है लोगों के लिए, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, तुम इतने अच्छे हो तो लोगों के लिए काम करो। तो बाबा बंदा ने फिर लोगों के लिए, सिख कौम के लिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको पता है कि मुगल और सिख वॉर्स शुरू हो चुके थे गुरु गोविंद सिंह जी के समय, तो ये बहुत ही एक अलग ही लेवल पे भाई खालसा पंथ की शुरुआत हो चुकी थी, मिलिट्राइज हो गए थे सिख, क्योंकि मुगलों से बहुत ज्यादा खतरा था, है कि नहीं। बैटल ऑफ चमकौर लड़ी जा चुकी थी, जब चार साहिबजादे, मैंने बताया इस पे पूरा लेक्चर लिया भाई, गुरु गोविंद सिंह जी ने 40 सिखों को 10 लाख मुगल सेना के सामने उतार दिया था। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा को में शेर बढ़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तहू गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण चली रहा था, मुगलों ने पूरा एक समझिए कि घेरा डाल दिया था, क्योंकि देखिए सिख जो है ना वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे थे, और सिख जो है ना वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई इंसान परेशान हो। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया। 1707 से लेकर नहीं 1715 से लेकर तकरीबन 1720 तक, 20-25 तक, इनफैक्ट 1740 आप मान लीजिए, सिखों की हालत दोस्तों बहुत बुरी थी, उनको जंगलों में छुपना पड़ा था, क्योंकि यहां पे सीधा ऑर्डर्स दिए गए थे कि जहां पे भी सिख मिले उनको खत्म करो। ऐसा मुगल एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो रहा था, औरंगजेब गया, इतना बड़ा एम्पायर कोई संभाल नहीं पाया, तो आता है बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम खान, उसका नाम मुअज्जम खान था लेकिन उसने बहादुर शाह 1 का टाइटल लिया था, वो 5 सालों तक रहता है। अब ये तो बात हुई मुगलों की, यहां पे जो बाबा बंदा बहादुर हैं वो सबसे पहले नासिक आया, गोदावरी के किनारे, भाई नासिक गोदावरी नदी के किनारे ना, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की, महाराष्ट्र के बगल में नासिक पे वो सेटल हुआ, और उसके बाद यहां पे योगी ओगड़नाथ का डिसाइपल बना, सब कुछ सीखा। तो वही बता रहा हूं ना कि लोग काफी ज्यादा थोड़े डरते थे कि भाई उसके पास तो मैजिकल पावर्स है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही चीज है, अभी बैरागी माधवदास है वो मेडिटेट कर रहा था, तभी गोविंद सिंह आते हैं और बहुत गुस्सा गया वो, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह सामने आए ना उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। तो 1708 सितंबर 1708 गुरु गोविंद सिंह जो है वहां पे इनके डेरे में पहुंचे, माधवदास के आश्रम पहुंचे, लेकिन वो था नहीं। पता जब चला कि अरे गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं तो माधवदास को थोड़ा गुस्सा है, वो कौन है जो यहां पे आ गया, मेरी परमिशन बिना कैसे आ गया। लेकिन वही चीज है, जब वार्तालाप हुआ तो सब ठंडा हो गया। तो माधवदास ने अपनी सारी की सारी पावर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के सामने यूज कर ली, जितनी भी पावर थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी तो रबदे बंदे, उनको क्या, उन्होंने बोला कि बेटा कुछ नहीं होने वाला, तो मेरे सामने खड़े हो, गले लगो और लोगों की सेवा के लिए तत्पर हो, यही चीज हुई। हम ये देखते हैं कि जब इसकी एक ना चली तो इसने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत तेजी से चिल्लाया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। तब इन्होंने अपना परिचय दिया तो माधवदास ने बोला कि अच्छा आप गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कुछ ना चली वार्तालाप हुई तो ये उनके सामने झुक गया और बोला कि मैं आज से आपका बंदा और आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि ये बैरागी जीवन से बाहर आओ, सिख कौम के लिए कुछ करो, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्लेस किया। अब तो देखिए, तब यहां से बंदा बहादुर नाम पड़ा। अब गुरु गोविंद सिंह जी, आपको पता ही है कि इसके बाद महासमाधि प्राप्त हो गई इसी दौरान, और बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि कृपाण से उनके ऊपर हमला हुआ था, महासमाधि प्राप्त हुए। अब सिख स्कैटर्ड, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही जो है वो मार्ग दिखाएगी। अब क्या करें, मुगलों का तो सीधा आदेश था खत्म करो, जो भी मिले खत्म करो। बहादुर शाह बहुत ही क्रूर, बोला कि खत्म करो, हटाओ सबको। यहां पे एंट्री होती है बाबा बंदा बहादुर की। अभी तक तो बैरागी जीवन जी रहे थे ना, अब बजाएंगे ये मुगलों की बैंड। बाबा बंदा बहादुर ने 10 बैटल्स लड़ी थी, पूरे हरियाणा को जीत लिया था, एक भी नहीं हारे थे। ये इतने वीर योद्धा थे कि ना ही इनकी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग, ना ही इनको कोई प्रशिक्षण, दिमाग इतना तेज चलता था।
आप विश्वास नहीं करोगे, 3-4 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 5,000 सिखों को जोड़ लिया, और उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसके बाद यही 5,000 सिख 18,000 से 19,000 तक हो गए। जब ये मुगलों से बैटल लड़ने जाते थे तो मुगल की आर्मी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, हाथी, तोपखाने, तलवार, सब ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी, और सिखों से बहुत बड़ी। लेकिन बाबा बंदा बहादुर के पास ये सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके पास था क्या? हौसला और तेज दिमाग। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इन्होंने एक एक को खत्म किया। मुगल अपनी जान बचा के भागे, नरनौल गए पहले हरियाणा में, जब वहां पे देखा कि अरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, औरतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो सबसे पहले उस एरिया को जीता। लेकिन दोस्तों जो बैटल ऑफ सिर हिंद छप्पर छिरी लड़ी गई ना, सब चेंज कर दिया। वजीर खान वही वजीर खान जिसने जो जब गुरु तेग बहादुर का जब सर कलम किया गया था तो वही वजीर खान था ये उस समय भी, जब 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जब शहीदी मिली थी तो भी ये वहां प्रेजेंट था, और बदला तो लेना था भाई। तो यहां पे वजीर खान, बैटल ऑफ सिरिन छप्पर छिरी लड़ी गई और वजीर खान पे वो हमला हुआ सर कलम के, यहां पे जो भाई थे फतेह सिंह ने मारी तलवार और सर कलम वही नीचे गिर गया, पूरे मुगल के कैंप में हड़कंप मच गई, भागे सब अपनी जान बचा के। और यहां पे हम देखते हैं ये बैटल ऑफ सिरिन छप्पर छिरी जो लड़ी गई भाई, ये गजब हो गई। उसके बाद फिर नरनौल, सिरहिंद और समाना, बैटल ऑफ समाना, एक के बाद एक बैटल जो है, टोटल 10 बैटल लड़ी गई। इसमें हुआ क्या कि पूरा पंजाब और हरियाणा एक साल के अंदर अंदर 1710 आते आते भाई यमुना से लेकर सतलज हमारा एरिया है, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। जब बहादुर शाह को यह पता चला तब उसने जाके सेना भेजी, उसने दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर दी लाहौर, और वहां पर फिर लोगों को भेजा कि भाई इसको पकड़ के लाओ, ये है कौन। समझिए कि एक नया युग आ गया, अपनी करेंसी मिंट कर दी, और आप करेंसी में बाबा बंदा बहादुर ने अपनी तस्वीर नहीं, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर छपाई थी, ये हिसाब किताब हो गया था। लोग बहुत ज्यादा खुश, सिखिज्म फिर से फैलने, फैल तो रही था और फैलने लगा। और आपको पता है सिख कम्युनिटी वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस में बिलीव करती है। सिख कुछ भी आपसे नहीं मांगेंगे, ना ही कोई रिजर्वेशन, ना ही पॉलिटिक्स में हिस्सा, वो सिर्फ आपको देते हैं, दैट्स इट, They are givers, ऐसा हिसाब किताब है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर इनको पंजाब भेजा 1708 में, और वहां पे जो क्रुएलिटी हो रही थी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिक्कतें थी वहां पे, ठीक है, मुगलों के शासन में बहुत कुछ थे, ये सब लिबरेट कराए। और वही चीज है कि जब बंदा बहादुर जो है वहां पे पहुंचा, आप देखिए कोई ज्यादा उम्र नहीं, 38 साल का ये भी है, लेकिन जब बाबा बंदा बहादुर वहां पे गए तो हर किसी ने उनका स्वागत भी किया, ऐसे लीडर थे ये, लीडरशिप स्किल्स कमाल। अब देखिए मुश्किल तो था ही, पैसों की जरूरत थी, अब गुरु गोविंद सिंह जी भी चले गए, क्या कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने पहाड़ी जो राजा थे ना, ये वही पहाड़ी राजा थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ लड़ाई की थी, कुछ पहाड़ी राजाओं को हमला किया और वहां से ये लूट के लाए। और उसके बाद भाई मैं बता रहा हूं कि जो 10 बैटल्स लड़ी हरियाणा के पूरे एरिया पे, जो कब्जा किया, हाईली फर्टाइल, मुगलों को मार भगाया, वहां से इनको काफी ज्यादा वेल्थ मिली। और उसके बाद भाई जब बहादुर शाह को पता चला, ओ माई गॉड ये कौन आ गया है, लेकिन 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह रहा था, फिर इसका देहांत हो गया। अब देखिए एक के बाद एक यहां पे जो एम्परर है वो चेंज हो गए। सईद ब्रदर्स जो थे ना, सईद ब्रदर्स ये किंग मेकर थे, ये जिसको चाहते उसको राजा बनाते। तो बहादुर शाह गया, फिर जहांदर शाह आया, जहांदर शाह खाली 1 साल तक रहा, और उसके बाद फिर इसका भतीजा आता है फरुख सियार वही था जिसने अंग्रेजों को भी फरमान जारी किए थे। फरुख सियार ने सिखों के लिए बोला, जहां सिख मिले वहां मारो इसे, एक भी सिख बचना नहीं चाहिए। तो इधर अंग्रेजों को फरमान दिया और इधर एक और फरमान दिया कि सिखों को खत्म कर दो। तो जब ये होता है दोस्तों तो प्रॉब्लम होती है। ये चीज तो ये सारे सोनीपत, समाना, कैंथाल, गुरहम, ये सब के सब इन्होंने जो शहरों पे कब्जा कर लिया था। फिर सिरहिंद लड़ी गई, ये वजीर खान को खत्म किया, ये 1710 में, ये कमाल की बैटल थी, ठीक है, छप्पर छिरी बैटल, और छप्पर छिरी भी इसको बोला जाता है। वजीर खान ने अपनी जिंदगी खो दी और ये गए काम से। अब दोस्तों जब फरुख सियार आया तो इसने बोला कि भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ो, इसको मारो, अरेस्ट करो। हालांकि फरुख सियार का यह आदेश था कि जिंदा चाहिए। हम ये देखते हैं कि ये गवर्नर जो लाहौर था अब्दुल समद,
उसने बोला कि पकड़ के लेके आओ। बोला पहले तो बड़ी बेइज्जती की फरुखसियार ने कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तो इसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन बाबा बंदा बहादुर ने बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी, मुगलों के लिए इतना आसानी नहीं होने वाला था। तो उसके बाद अपनी फोर्सेस भेजी। एक और चीज आपको बता दूं कि बहादुर शाह खुद भी एक बार बैटल फील्ड में आए थे कि बाबा बंदा बहादुर है कौन, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि गुरदास नंगल में इन्होंने मतलब बहुत बड़ी सेना मुगल जो है वो लेके निकले, बहुत भव्य सेना 1715 में मुगल लेके निकले, और उसके बाद फिर काफी तगड़ी बैटल हुई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहां पे जो किला था गुरदास नंगल में, वहां पे बाबा बंदा बहादुर रह रहे थे। अब घेराव शुरू कर दिया मुगलों ने। बाबा बंदा बहादुर को पता था कि बहुत सारे मुगल्स हैं, इनसे अगर हम डायरेक्ट लड़ने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो बेस्ट यही है वेट करते हैं और उसके बाद हम इन पे हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार समद ने क्या किया ना, वेट किया। उसने बोला कि कोई बात नहीं, सप्लाई लाइन काट देते हैं। दोस्तों 8 महीने तक ये सीज चली है, 8 महीने तक ये सीज चली है, और बाबा बंदा बहादुर ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। घास देखिए, खाना खत्म हो गया, सप्लाई लाइन कटी हुई है, घास फूस खाया उन्होंने, उससे भी फिर नहीं गुजारा हुआ, वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर घोड़ों और गधों का मांस खाया, जिंदा तो रहना ही था ना। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों जब पता चला कि यार बहुत मुश्किल होने वाली है, अब हमको जाना ही पड़ेगा, तो ये फिर बाहर निकले। और जब ये बाहर निकले तो एक बैटल हुई जिसमें मुगलों का अपर हैंड था, मुगलों ने सारे सिखों को कैप्चर कर लिया। एक और चीज, जब लाहौर से अब्दुल समद आ रहा था ना, तो इसने क्या किया, इसने जितने भी सिख रास्ते में पड़ रहे थे सबको काटता गया, क्योंकि उपस्थिति दिखाने के लिए कि देखो हम आ गए हैं। कत्लेआम मचा दिया यमुना के पास, सतलज नदी के पास इसने कत्लेआम किया, वो नदी पूरी खून से लाल हो गई। ये हिसाब किताब था। तो अब जितना लड़ सकते थे ये लड़े। बाबा बंदा बहादुर उसका ब्रेव हार्ट लड़े, एकदम बहादुरी से लड़े, लेकिन अल्टीमेटली मुगल्स ने इनको कैप्चर कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जब इनको कैप्चर किया तो आप ये समझिए कि इनको एक हाथी पे, ये मुगलों का एकदम मॉडस एपरेंडी था, ये एक लोगों को संदेश भी था कि दोबारा सर उठाने की हिम्मत मत करना हमारे सामने। तो इन्होंने एक मरियल से हाथी पे एक पिंजरा रखा और उस पे राजा के कपड़े जो कि कई जगह से फटे हुए थे वो बाबा बंदा बहादुर को पहनाए और उस पिंजरे में बंद कर दिया। पीछे बहुत सारे 780 सिख जो है वो चल रहे थे, 780 सिख, और सबको चेन में बांधा गया था और दिखा था कि देखो देखो तुम्हारा लीडर भाई। जब दिल्ली लाए गए ये, तो दिल्ली में एज यूजुअल बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी इनको देखने के लिए। अब ये जो हीरो था, हमारा हीरो, ये जंजीरों में बंधा हुआ, लेकिन ये हंस रहे थे, इनके मन में शिकन नहीं थी। आपको पता है शिकन नहीं थी, लिव लाइक अ किंग वॉक लाइक अ किंग, इस तरीके का हिसाब किताब था। तो ये देख के सिखों में भी जोश था, भले ही वो जंजीरों में बंधे थे, लेकिन दोस्तों दिल टूटे। पता है कैसे, मुगलों ने क्या किया था कि उन्होंने सिखों के सिर काट के भाले पे टांग दिए थे, 2000 सिखों का कत्लेआम करके उनके सिर जो है, जहां से बंदा बहादुर का कारवा निकल रहा था ना, मतलब उनको बंदी बना के जहां से ले जाया जा रहा था, वहां पे भाले लगे हुए थे बड़े बड़े, और भाले के ऊपर सिखों के सिर टंगे हुए थे और उस सिर के अंदर भूसा भरा हुआ था। ऐसी खतरनाक कंडीशन थी, ऐसा खतरनाक दृश्य, सबकी देख के रूह कांप गई, ये हिसाब किताब। लेकिन बाबा बंदा बहादुर ने बिल्कुल भी एक कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने एकदम कोई शिकन नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि बाबा बंदा बहादुर को दिल्ली लाया गया। उस समय दिल्ली का कोतवाल था, और दिल्ली के कोतवाल था जल्लाद, उन सबके सामने बैठाया गया। तो ये ऑर्डर दिया, काफी समय तक रहा, देखिए इनको एक ऑर्डर ये था कि या तो इस्लाम कबूल करो या तो हम तुमको मार देंगे। तो ऐसे बहुत ऊपर सीढ़ियों पे, बहुत ऊपर ऐसे रैंप बनाया गया, एक एक सिख खाता, सिखों का सर ऐसे, वो ऐसे करते। तो यहां पे उनके ऊपर उनसे पूछा जाता क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो, सिख बोलते नहीं, धाएं से सर काटते, सर नीचे धड़ अलग। दूसरा सिख खाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो, नहीं, मारते सिर अलग धड़ अलग। ये हो रहा था और सब नुमाइश हो रही थी यहां पर, नुमाइश कैसे, कत्ल से नुमाइश हो रही थी और सब हंस रहे थे, ये हिसाब किताब। फिर बाबा बंदा बहादुर को सामने लेके आया गया। अब इनके सामने जो है, इनके बेटे अजय सिंह को सामने लाया गया। अब बाबा बंदा बहादुर से पूछा गया कि क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। बाबा बंदा बहादुर बैठे हुए थे, बोले
मुंडी हिलाने से पहले ही यहां पे जो अजय सिंह है ना, उनके बेटे 5 साल के बेटे थे, उनका सर कलम कर दिया, सर अलग कर दिया धड़ से। और उसके बाद बाबा बंदा बहादुर के सामने बच्चे का कलेजा खोला, दिल निकाला और बाबा बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया। बोला कि अब बता, करता है इस्लाम कबूल? कोई शिकन नहीं, अंदर से हिल गए थे लेकिन कोई शिकन नहीं। उसके बाद बाबा बंदा बहादुर को पता था कि भाई ये कुछ और ही इंसान है, ये इंसान है ही नहीं, ये मैसेंजर है कोई, तो बेस्ट यही है कि भाई छोड़ दो इसे, गिव अप कर दो। मुगल भी इनके सामने हार गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर यही बोला गया कि इसको इतना टॉर्चर करो, और याद रखना जब टॉर्चर करोगे तो ये जिंदा रहे, इसको जितनी देर तक जिंदा रख सकते हो रखो। तो बाबा बंदा बहादुर की आंखें नोची गई, उनका स्किन जो ना स्किन नोचा गया, सबने नोचा बकायदा, जगह जगह कट मारे गए, हर जगह जितना ज्यादा यातनाएं दे सकती जा सकती थी उतनी दी गई, उंगली तोड़ दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, नोचना शुरू कर दिया यहां पर मुगलों ने, उनके शरीर को खेलना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली उनका सर अलग किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक एक बॉडी पार्ट उखाड़ दिया था उनका, ऐसी बर्बरता। लेकिन ये जो लेगेसी छोड़ के गए थे बाबा बंदा बहादुर भाई, ये इतनी बड़ी लेगेसी थी कि मुगल्स बहुत डर गए थे। उसका रीजन ये था क्योंकि जो इन्होंने हमला किया था बाबा बंदा सिंह ने, वो इतना खतरनाक था, 10 के 10 बैटल्स में एक भी नहीं हारे, बड़ी मुगल आर्मी को इन्होंने जूं धूल चटा दी, यूं, आप समझ रहे हो। अच्छा, इसके साथ मुगलों, फिर उसके बाद फिर सिखों को वही है कि जितने भी सिख है जिन्होंने इस्लाम नहीं माना उनको खत्म किया, कुछ सिख भाग निकले, फिर उनको जंगलों में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इसके बाद पता क्या हुआ, तो वही इसके बाद आते हैं महाराजा रंजीत सिंह, वो तो 1799 में उन्होंने पूरा सिख एम्पायर ही बना दिया था, फरुख सियार को खत्म कर दिया गया। फरुख सियार ने फरमान जारी किया था, सईद ब्रदर्स ने मराठाओं के साथ मिलकर फरुख सियार को हटा दिया, फरुख सियार की भी आंखें निकाल ली गई थी, अंधा कर दिया गया था और मार दिया गया था। उसके बाद फिर मराठाओं ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। भाई पेशवा बाजीराव दवन 1720 में आए, फरुख सियार 1719 में उनका काम तमाम, सईद ब्रदर्स भी खत्म, पेशवा बाजीराव आए और वो हालत की मुगलों की, वो हालत की, पूरा दिल्ली तक कब्जा हो गया था ना मराठाओं का। तो भाई फिर क्या हुआ कि जब मराठाओं ने भी इधर मुगलों को पूरी तरीके से पीटा, नादिर शाह भी पीट के चला गया। इसके बाद जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के पिट्ठू बन के रह गए, अंग्रेज की कठपुतली बन के रह गए मुगल्स, आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब रहा। तो बाबा बंदा सिंह की जो कहानी है वो हीरोइक है, और मैं तो ये बिल्कुल चाहता हूं कि इस पे या तो वेब सीरीज बने या फिर मूवी बने, क्योंकि भाई इन्होंने सिख एम्पायर एक्चुअली में पहला जो इनिशिएटिव लिया था वो इन्होंने ही लिया था, डिस्पाइट उनको पता था कि आर्मी बहुत बड़ी है लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। हैट्स ऑफ, इनका वॉर मेमोरियल भी आपको देखने को मिलेगा छप्परचिली मोहाली में। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये है वो वॉर मेमोरियल, ये इनका स्टैचू भी बनाया गया है, ठीक है ना, बाबा बंदा बहादुर। तो आप मुझे बताइए कि आप और कौन से हीरो पे लेक्चर देखना चाहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।